जो यजवंदर सर आज आए थे और पूरा सबको ट्रेनिंग मिली हुई है और सबको आप लोग देख रहे हैं, सब ट्रेनिंग लेके अंदर आओ, अंदर आओ। आजा आजा, लाओ 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 लाओ। रघुविंदर सर सबको गिफ्ट देते हुए, अपने ड्राइवरों को आयशर का छल्ला देते हुए। आज आए हैं रघुविंदर सर और इनकी टीम आई हुई है, ये फोर पॉइंट से हेमंत जी और ये। तो आज सब ड्राइवरों को ट्रेनिंग दिया गया, तो अपने कम से कम इधर 20-25 ड्राइवर खड़े हैं। लो बनाओ जरा फोटो तो बहुत फोटो सर एक एक मिनट इधर आओ, उधर बैठो, चाबी बाल इधर आओ, आगे इधर आओ, सामने आ जाओ, ये देखिए क्या नाम है। सब ड्राइवर भाई आज हमारे हैं, सब आयशर वाले, सबको मिला हुआ है। अब सबको आज हमारे जो अंदर सर सबको ट्रेनिंग दिए और सबको एक मिठाई का डिब्बा मिलता हुआ। आज हमारे आयशर वाले सर आए थे, सबको फुल ट्रेनिंग जी। पूरी सबको ट्रेनिंग दी गई और सब लोग क्या नाम है यहाँ खुश हैं और देखते हैं अब शायद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें। देखिए हमारे रघुविंदर सर बता रहे हैं, जूता का निशाना बना के रखा हुआ इसीलिए, और जब इसको डालते हैं इसका लगभग थोड़ा सा पतला हो जाए, जाली है, और ऐसे है आपको स्थानीय, एक बार आपने कितना खा लिया उतना क्वालिटी के लिए उतना पूरा डाल दो। आज 5 लीटर डालेगा, कल 5 लीटर डालेगा, नहीं कर सकते नहीं कर आप दें, और उसके बाद में लेके महीना तक रखना मत गाड़ी में, कभी भी या महीना तक लेके रखना मत। जितना आपको चाहिए गाड़ी में सूख जा रहा है, जितना लीटर जाएगा उसमें जितना लगेगा उस हिसाब से डालना है, लेके रखना मत। और डालने के बाद ढक्कन उसके बाद बराबर ढक्कन बंद कर, वो ढक्कन नहीं रखेंगे तो क्या होगा। Thank you.
क्या होगा अंदर पाइप। ये देखिए हमारे रघुविंदर सर सब ड्राइवरों को बता रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे इसको BS6 का आइसर का BS6 गाड़ी जो है इसमें क्या सावधानी बरतें जिससे आपका गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो और सब कुछ अच्छा चलता रहे। रिजर्व में कितना मतलब लास्ट कितना रहना चाहिए? 8 लीटर नीचे आएगा ना ये बताने लगेगा आपको लाइट आता है वहाँ पर ब्लू कलर का लाइट जलेगा बोलता है कि बोल देगा आपको आपको क्या बोलेगा मालूम है नॉक्स एक्सीड बोल लिख के आएगा नो एक्सपोज नॉक्स एक्सीडर आपका व्हीकल विल डी रेट खत्म हो रहा है और गाड़ी 40 किलोमीटर तक चलेगा बराबर बाद में तुम्हारा गाड़ी पिकअप तोड़ेगा। हाँ पहले लाइट आता है लाइट आने के बाद ही आ जाते हैं उसी के हिसाब से आप लोग पहले इसको भर के लेके जाते हैं ठीक है। हाँ और वही बोले भरने का टाइम भी यही है आधा आज भरेगा कल भरेगा और भरने चलने वाला आप लोग तकलीफ आप लोग उठाना होगा घर की तरफ बाद में आएगा अपना टेक्नीशियन आएगा काम करेगा बाद में ठीक है। बाद का मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों डब्बा का मार्ग इतना किया हुआ ठीक है इससे नीचे नहीं जाने का उससे ऊपर नहीं जाने का जाने आपको साल भर तक खोलने की जरूरत नहीं जब काम करेंगे तभी खोलने की जो है इसका अंदर में आपको दिखेगा ना पानी दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी उसके बाद में दूसरा क्या है इसका एक मार्क के ऊपर में लिखा रहता है अर्जेंट में अर्जेंट है तो आप निकाल सकते हो लेकिन प्रॉपर आपको वही कूलर नहीं डालना पड़ेगा जी जी कभी भी ऐसा लग गया डालना ही है कारण क्यों है इधर मिनिमम मार्क के क्या हुआ इधर मैक्सिमम किया है। हाँ जी है ना जी ये क्यों बनाया हमने मालूम है मतलब यहाँ तक इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए तो बाकी बीच में रह जाए कोई चक्कर नहीं इधर भी लगे तो चलेगा। अच्छा हमने इसीलिए बनाया जी जी ये अभी गाड़ी की जगह कहाँ बराबर है ये देखो थोड़ा टेपर हाँ टेपर है आप जो खड़ा करते हो वहाँ का जगह तो एकदम मजबूत हुआ था वहाँ तो एक पत्थर के ऊपर में रहेगा नीचे रहेगा जी जी ना तब उसी के हिसाब से आपको एक्यूरेट बराबर नहीं मिलता जी उसी के लिए आपको क्या हम लोग क्या बनाया था आपको मिनिमम मैक्सिमम बीच में इतना गैप रखा इसके बीच पर आना चाहिए ऐसा ना इससे नीचे एकदम नीचे नहीं आना चाहिए ठीक है ठीक है। वर्कशॉप में देखो अपने खाना खा सकते बैठे आदमी कर सकता कैमरा खुला होना चाहिए कपड़ा भी बीच में नहीं आता जैसे कपड़ा सामने पड़े सब नीचे सीट के जगह ही नहीं इतनी जगह है इसमें क्या रखिए यार
कैमन बड़ा है, गाड़ी एक नंबर का, लेकिन कैमन छोटा है। कैमन का मजा नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन कैमन नहीं है सही, एक बेकार कैमन है। देखिए हमारे पाजी काफी पुराने और काफी अच्छे ड्राइवर हैं, ये बता रहे हैं कि केबिन में गाड़ी तो काफी अच्छी बनाया लेकिन इसका केबिन जो है काफी छोटा बनाया, जिससे एक अच्छा खासा मोटा तगड़ा अच्छा मतलब फिट आदमी इसमें अनफिट होता है, ना सोने के लिए जगह है ना तो कायदे से बैठ सकते हैं। तो ये आइसर वालों की सबसे बड़ी कमी है। ये देखिए हमारे रविंदर सर आगे सभी ड्राइवरों को बारे में बता रहे हैं कि इस तरह से गाड़ी चलाना है, इस तरीके से नहीं चलाना है। और आज हम लोग को सभी ड्राइवरों भाइयों को आज सिखाया जा रहा है कि मतलब ये BS6 आइसर की जो नई गाड़ी है ये काफ़ी एडवांस है, जिसमें सबको बताया जा रहा है किस तरीके से इस गाड़ी को चलाया जाए कि जिससे आपको कम डीजल में ज़्यादा दूरी तय कर सके। इधर इसमें एक लाइट जलता है मेरे में, ये देखिए सर हमारे उठा रहे हैं, कुछ ड्राइवर भाइयों को सबको समझाएंगे किस तरीके से क्या ये लाइट जो जलता है ये काहे का लाइट है। ये एक गाड़ी का यूजुअल लाइन है ना, जब आप लोगों को कुछ कार्ड में प्रॉब्लम आता है ना तब आप बोलते हैं आप देखने के लिए जी जी, आपको इसके समझने के लिए निशाने के लिए यहाँ पर बना के दिया हुआ है किस तरफ में क्या है। देखो यहाँ पर देखे दो यहाँ पर रिले दिख रहा है ना, हाँ जी यहाँ पर लिख रहे हेडलैम्प रिले पार्किंग रिले बोल के लिखा है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये सब फ्यूजेस है जी जी, इसको बोलते हैं हमने कैप्सूल फ्यूज है। इसको तो अपना बटन ये देखो इस तरफ में निकलता है जी जी, इसका अंदर से कनेक्शन ऐसे रहेगा। हाँ जी हाँ जी, कुछ होगा तो क्या होगा यहाँ पर कट आ जाएगा ठीक है। और यहाँ पर लगाने से कोई ताकत नहीं, हाथ से प्यार से इसको लगाना जी जी। एक्चुअली इसके लिए एक पिन भी दिया है, पिन है शायद इस गाड़ी से निकाल दिया होगा, उसको लगा के इसको आसानी से निकाल। आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा ये तो हेडलैम्प का है ना या फॉग लैम्प का है, कभी भी आपको कुछ देखना है ऐसे रख के आप देख लो ठीक है जी, ऐसे देख के देखने का। ये देखो रिले देखा EMS के ECU के रिले बोलते है ना जी जी, ये स्टार्टर का इसका AC वाला रिले है ना, AC वाला इग्निशन का, ये देखो चार दोनों इग्निशन है। इसी तरफ में आपको और कभी भी आपको यहाँ पर देखो इग्निशन और इग्निशन सप्लाई देखो 10 एम्पीयर का, ये फ्यूज के ऊपर में कभी भी ध्यान देना, कभी गाड़ी आपको बंद पड़ता है ना तब समझ लो ये वाला दोनों फ्यूज शॉर्ट है, शॉर्ट होगा तो इस फ्यूज को ऊपर में आप लोग उसको नया फ्यूज डालना है जी जी। ये फ्यूज ऐसे ने आइसर कंपनी के लिए नहीं बनाया, हर कंपनी के सेम है कॉमन सेम है, ये किधर भी मिल जाता है 10-15 एम्पीयर, ये रेटिंग है ना इसका नंबर है उसी का ये फ्यूज डालना चाहिए जी जी ठीक है। आपको समझ लो इसके ऊपर में कोई तकलीफ हो गया तो आपको समझ लो आपको अभी दिन में चल रहा है। आपको यहाँ पर देखना हेडलैम्प वाला कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर है देखो ये वाला देखो हेडलैम्प लो बीम का, अभी हमको क्या है अभी समझ रहा है दिन का टाइम जा रहा है तकलीफ हो गया अपना स्टार्ट नहीं हो रहा था, हमने देखो तो ये 15 में ये फ्यूज उड़ा है, हमको फ्यूज डालना है तो ये वाला फ्यूज उठ के यहाँ डालना जी जी, डाल के गाड़ी चला चला सकते हैं। फिर भी आपको समझ लो गाड़ी फिर चला गया तो फिर फ्यूज उड़ा, तार और मत बांधना जी जी, गाड़ी साइड में खड़ा कर दो, खड़ा करके ना कंप्लेंट कर दो, हम लोग आके देखेंगे जी। इसके ऊपर में तार बांध दिया तो क्या होगा, आपने इसको तार बांध दिया तो क्या होगा, ये पूरा वायर को गरम करते अपना वायरिंग को जलेगा। वो एक लिमिट है कितना एम्पियर का है, कितना एम्पियर में लगना चाहिए, लगना चाहिए आप जो निकलता वही वाला उसी को डालना चाहिए जी जी, उसका पलटे उल्टे नहीं करना है ठीक है ना। इसी के ऊपर से यहाँ पर देख लेंगे एक्सले देखो एक्स सप्लाई और इग्निशन सप्लाई बोल के ये दोनों का कंप्ले यहाँ पर आ जाता है, और ये दोनों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ये दोनों के ऊपर ठीक है। और उसके बाद में ये वाला तीन और चार नंबर आगे इधर से पकड़ने से 3 और 4 नंबर, उसके बाद में ये वाला पार्किंग वाला बता दो मेरे को, हेड लैम्प और विंडो रिवर्स स्टॉप लैम्प देखो ये वाला ये 3 नंबर वाला ना ये इधर 10 नंबर का है ना, ये आप लोग यहाँ से यूनिट है ना अपना वो 24 वोल्ट वाला देखो वहाँ पर बैटरी कनेक्शन जी जी, मोबाइल से वहाँ से चार्जिंग करने लगा था ना जी जी, आपको वो चार्जर खराब है जी जी, आपको शॉर्ट होगा ना तो यहाँ का ये 3 नंबर ये फ्यूज उड़ेगा। उसका क्या नाम, पावर सॉकेट, पावर सॉकेट नहीं यहाँ पर लिखा है पावर रिवर्स और स्टॉप लैम्प बोलते रिवर्स और स्टॉप लैम्प ये उड़ता है जी, ये उड़ेगा तो आपको पार्किंग लाइट वगैरह नहीं जाएगा जी, ये सबसे उसके ऊपर में वो ध्यान देना ठीक है। और कोई भी सामान यहाँ का कोई भी इसके ऊपर में छेड़ना नहीं है, इसका अंदर में कुछ काम नहीं करना जी जी, इधर में अंदर पानी नहीं मारना
गीला कपड़ा है तो उसको पोंछ के कर देंगे अंदर में, ठीक है। हम क्यों बोलते हैं, जो पानी डाल दो पानी में अच्छा खारा पानी रहेगा तो क्या होता है अंदर अंदर से जी जी खराब हो जाता है। और स्प्रे आता है कुछ? नहीं नहीं नहीं, नो स्प्रे, कुछ नहीं मारने, कुछ नहीं स्प्रे वगैरह नहीं मारने का, एक केमिकल है ना इसका अंदर पूरा, ये बगल बगल में फ्यूज है, सूखा कपड़ा फेर दे, सूखा नहीं तो आपने ये वाला कपड़ा रहता है ना गीला करके हवा वाला सिस्टम आ गया है, वो करवा दो, नहीं तो हवा मार के ब्लोअर लेके वहाँ मार के निकाल देना। और इसको बिना खोल के गाड़ी मत चलाना, इसके अंदर डस्ट बैठेगा तो ये अंदर से फिर जी देता रहेगा जी सर, समझिए। और इसको खोलने के लिए भी मिल रहा है ना आपका, ऐसे कॉइन कुछ रहेगा तो आपको डायरेक्टली इसको ऊपर में रख के खोल सकता है जी सर। बैठ गया, सामान है इधर से इसको खोलना मत आप जी जी, ठीक है। ये फ्यूज को मैं बता दिया जी जी, वो लोग खुद करवा के देगा, वो जी आएगा तो आपको साथ में करवाना, ठीक है, ठीक है, उधर आ जाता हूँ। ये देखिए हमारे रघुवेंद्र सर, और ऊपर इसके आगे का हमारे वर्मा जी मॉनिटरिंग करते हुए मॉनिटर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कैसे करना, क्योंकि हम लोग सभी ड्राइवर भाई ये कभी, जो लाइट है ये कभी कभी हमारे में आता है सफेद वाला, ओ मां ये इसका रेडिएटर वाला का कोई पानी कम रहेगा नहीं तो उसका हीट होगा ना वो तभी आ जाता है। और उसके बाद में अब डालने के बाद इसका अंदर में कभी अंदर को थोड़ा हार्ड लग रहा है कुछ लग रहा है, इसके अंदर में ना तेल नहीं डालना है, अच्छा जी तेल मत डालना है, क्या होता है इसके अंदर तेल डालेगा ना इसके अंदर में करंट है, वो करंट जब हमको चाहिए शॉर्ट होता है, हम इधर करंट चाहिए उधर ही करंट जाना चाहिए जी, ये कभी काम ऐसा ये नहीं होगा, होगा तो सब दिखा दो वर्कशॉप में, हम खोल के देखेंगे हवा मारेंगे ये लोग तो उधर ही आपको खराब होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। और कनेक्शन से ना यहाँ पर देखो एबीएस वाला जी, इसके बारे में वो बता रहा है अभी, मतलब तेरा ओके है नहीं है, ये साउंड आना चाहिए जी, ठीक है ना। और उसके बाद क्लस्टर पूरा एक बार मीटर आपको घूम के जी जी वापस गिरे वापस गिर जाता है ये। और ये आपको क्या बताएगा स्पीड मीटर मीटर स्पीड मीटर बताएगा, ये क्या बता रहा है आरपीएम आरपीएम मीटर, ये आरपीएम में यहाँ पर ये मार्क बनाया देखा आपने ग्रीन कलर है यहाँ पर पीला है रेड है जी जी कलर बनाया जी, इसका मतलब क्या है, मतलब सर हमको हमारे हिसाब से मतलब जो हरा वाला है ये हरे पे चले तो यहाँ तक अच्छा है, इसके बाद पीला पे कर जाएगा लाल पे ना चलना चाहिए, ये जब गाड़ी आपको गियर शिफ्टिंग करना है इसमें हरे में गियर में जाना है आप गियर में जाना है जी, आपका गाड़ी को आरपीएम यहाँ से आपको दिखा ना 12 से आपको 18 के बीच जी जी, तब क्या आपको गाड़ी का एवरेज अच्छा मिलता है जी जी, गाड़ी का एवरेज अच्छा मिलता है, इसलिए इकोनॉमी मोड बोलते हैं हमने इकोनॉमी मोड होता है, आप तो जो गियर शिफ्टिंग है ऊपर जाना नीचे आना आप ध्यान देना, देखते समय गाड़ी देखते समझ लो इसको मौसम तोड़ रहा है इससे नीचे आ रहा है तो आप जो चेंज कर दो जी, और इधर से ऊपर जाना तो आपको गियर को इसको इससे ऊपर आने के पहले आप गियर चेंज करते हैं, तब आपको डाउन गियर अप गियर दोनों में भी इसको यूज करने से आपको एवरेज अच्छा मिलेगा, इसलिए बोलते इसको इकोनॉमी मोड, कोई भी गाड़ी में जाके देखना इसमें जी, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखा यहाँ तो आपको डीजल का मीटर है जी, और उसके बाद में यहाँ पर टेम्परेचर है जी, अपना गाड़ी का अंदर में टेम्परेचर गर्मी के टाइम यहाँ तक आएगा आपको जी, ये सफेद कलर है ना वहाँ तक आता है जी, जी, जी। 94 डिग्री टेम्परेचर बोलते हैं ना इंजन का टेम्परेचर है वर्किंग टेम्परेचर है वहाँ तक, उसको इंजन तो गर्म होना चाहिए होना चाहिए, हम तक गाड़ी कभी भी नहीं ठंडा में चल रहा तो गाड़ी में समझ लो हमको प्रॉब्लम है जी, इधर पंखा डायरेक्ट नहीं चला, इसके अंदर पंखा विस्कस फैन है, स्टार्टिंग में आपको गाड़ी स्टार्ट करते समय में आपको एक बार चालू हो जाता है जी, थोड़ी देर बाद देखो इंजन पंखा काम करना बंद करते हैं ना, फिर गाड़ी चलते समय में आपको पंखा अपने आप ऑटोमेटिकली चालू होता है जी, फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी को ठंडा कर देगा फिर अपने आप वापस आ जाता है जी जी, इसका तरीका ऐसे है मतलब गर्म उसको कंटिन्यू उसके गर्मी को मेंटेन करता रहता है, उसी के हिसाब से कभी भी आप ध्यान देना चाहिए आपका फैन पंखा बराबर चलते समय काम कर रहा है कि नहीं, डायरेक्ट कभी भी नहीं चलना नहीं चलना चाहिए ना, खराब चलना नहीं चलेगा तो भी गाड़ी हीट होता है, गर्म होगा डायरेक्ट होगा तो भी आपको हीट नहीं होता लेकिन कुछ प्रॉब्लम तकलीफ देता है,
उसी के हिसाब से ऐसा रहेगा तो अच्छा है, मतलब गाड़ी चल के जाएगा आएगा, मगर कोई तकलीफ नहीं है, मगर आने के बाद काम कराना जी, मगर पंखा चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। सर ये जो बटन है हमेशा रनिंग में भी चलता रहता है, इसका क्या है? ये है, बता रहा हूँ मैं, बताइए करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पर ये गाड़ी ये चेक आता है आपका चलते से, ये दोनों क्या है आपका इंडिकेटर, इंडिकेटर ये दोनों इंडिकेटर कौन से है, तो यहाँ का लेफ्ट और राइट का, ये पहला वाला गाड़ी का है, दूसरा वाला है ट्रॉली का, ठीक है ना, समझ गया, ये चेक हो गया। और उसके बाद में तीसरा आएगा ये स्टॉप लैंप है, पहले आपको निशान आ जाता है ये वाला, चेक करो गाड़ी को, चेक करो मतलब कोई तो समझ लो कोई तो प्रॉब्लम रहेगा, गाड़ी को चेक करो बोल रहे हैं। दूसरा ये आएगा बोलता है आपको गाड़ी को स्टॉप कर दो, रोक दो गाड़ी को रोको बोल देगा। ये वाला आपका कूलेंट वाला रहता है, टेम्परेचर अपना बढ़ते जाएगा तो फैन नहीं करेगा तो यहाँ पर इंडिकेशन आता रहेगा, मतलब कभी लूज कनेक्शन रहेगा तो। ये आपका फॉग लैंप का हो गया, ये हाई बीम लो बीम का हो गया, और ये तो सीट बेल्ट का हो गया। उसके बाद में ये वाला हैंड ब्रेक का हो गया, ये आपका फॉग लैंप डिपर का, और उसके बाद में ये वाला अपना इसका कैबिन वाला का नहीं है वो, अपना हीटर का भी इधर जरूरत नहीं अपने को तो। और आपको ध्यान देना ये वाला, ये देखो ये है आपका इंजन ऑयल प्रेशर का। उसके बाद में ये दिखेगा आपको रीजनरेशन बोल के आएगा, ये वाला देखो हीटर कॉइल का, हीटर कॉइल का अपने इसमें नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर के नहीं है ये वाला, ये लाइट के ऊपर में ध्यान देना आपको, ये वाला बताता है आपका इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, या MI लाइट बोलते हैं, MIL माल फंक्शन इंडिकेटर बोलते हैं आप लोग, वायरस बोलते हैं ना जी, ये वायरस का लाइट ये है, ये क्या है, ये वायरस वाला लाइट है, ठीक है। गाड़ी चलते समय में आपको कोई भी एक्चुअली पूरा कोई भी मीटर आपको बंद रहना चाहिए, सब ये लाइट है निशाना बंद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चलते गाड़ी में आपको ये लाइट नहीं जलना चाहिए, इसको बोलते माल फंक्शन इंडिकेशन, मतलब कोई तो वायरस बोलते ना, या एड ब्लू का लेके यूरिया कम है तो यूरिया का डालना पड़ेगा बोल के यही बताता है। ये वाला लाइट चलेगा तो आपको पिकअप तोड़ते हैं, ये वाली का ये लाइट जलता है हाँ। और उसके बाद में ये क्या आपको निशान आ जाएगा, पहले तो ये गाड़ी में ये चक्कर वो चक्कर ये चक्कर बोलेंगे ना, ये इन्फॉर्मेशन आएगा, तब तक यहाँ पर मैसेज आता है और ये बताएगा आपको स्टॉप, मतलब गाड़ी को आपको रोक देना, ठीक है इसीलिए। और ये है लाइट है आपको, ये गाड़ी में ये रीजनरेशन बोलते हैं, देखा होगा आपने अभी साइलेंसर BS6 में, ठीक है हाँ, ये चक्कर बोलते हैं, ये आपको कभी नहीं बहुत कम आता है, अभी अपने नया गाड़ी वगैरह में ऐसे नहीं आ गया, इधर लाखों किलोमीटर चलने के बाद। इसका काम क्या है, अंदर जो अपने साइलेंसर में जो कार्बन है उसको बाहर निकालने के लिए, इसमें दो इसको रीजनरेशन बोलते हैं, मतलब पहले क्या होता था मिट्टी अंदर का निकालने के लिए कार्बन निकालने के लिए बाहर निकल के करना पड़ेगा, अभी ऐसे नहीं चलते ऑटोमेटिकली होता है, इसको बोलते दो ऑटो और मैनुअल बोल के, मैनुअल ऑटो मतलब क्या, गाड़ी आपको चल रहा है आपको रीजनरेशन कर आता रहेगा, वॉच करता रहेगा, वॉच करता, ठीक है। मगर एक बात है, ड्राइवर को उसमें दिखेगा रीजनरेशन बोल के, करना बंद करेगा तो आपको मैसेज आएगा वो, आप लोग ग्रुप किधर है, परिवहन का ग्रुप किधर है, आपको 5 मिनट पांच सेकंड कर देंगे, 20 से 25 मिनट तक वो काम करेगा, काम करेगा, रेज होगा अपने आप कार्बन निकाल देगा जी जी। मगर नीचे जो जगह में रखा है ना वहाँ पर कोई भी ये रहना चाहिए, पॉलिथीन या कुछ पेपर सूखा चीज रहना चाहिए, मतलब आग पकड़ने जा रहा हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो जी, कोई भी उसका आदमी वहाँ पर उसको चिपकना नहीं, बगल से वो ध्यान देना, ठीक है। ये वाला वो रीजनरेशन के लिए, ओके और समझ गया। और ये वाला देखो आपका एड ब्लू का लाइट है जी, ये चलता रहेगा आपको, रिजर्व में आएगा तो ये बताएगा आपको जी, ये कभी भी आपको ये नहीं होना चाहिए, कम होगा तो यहाँ पर बताएगा ये वाला, ये तो बैटरी लाइट है जी, बैटरी चलते गाड़ी में चलना नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए, चालू होगा तो क्या होगा आपको बैटरी अल्टरनेटर चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा जी, चार्ज नहीं दे रहा, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है जी, उसी के हिसाब से ये दोनों आपका, ये तो आप लोग के लिए है नहीं है, नहीं अभी ये डंपर के लिए, ये डीजल तो देख लिया हम, और ये लाइट देखा ये छोटा वाला दिखता है, ये क्या है आपका बैटरी का, ये अपना क्लच वाला ऑयल है, क्लच का ऑयल खत्म होगा ना यहाँ पर ये लाइट जलेगा, अच्छा अच्छा जी, क्लच वाला ये है आपका, ये ABS का, ABS दोनों ABS है, कौन सा वाला, एक तो चक्का गाड़ी का ABS है, दूसरा ट्राले का, ट्राले का है ना, ट्राले में ABS रहेगा तो ये बताएगा लाइट ही जलता रहेगा, ये जलना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सर इसको थोड़ा बताइए, बहुत इसके बारे में सब लोग कंफ्यूजन में, और क्या है ये गाड़ी में ना ऐसे सिस्टम बनाया, अभी समझ लो गाड़ी आपका काली गाड़ी चल रही है, 240 ना आपको काली गाड़ी चलने में इतना ताकत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा, इंजन आपको 170 में 180 में बात करता है,
उस समय आपको है ना यहाँ पर इको प्लस में काली एम्प्टी में चलना चाहिए इसमें, एम्प्टी में हाँ, ये चला के चला दो ठीक है जी। और गाड़ी में आधा लोड है, करीब 2 टन 5 टन लोड है जी। आपको चल रहा गार्ड सेक्शन प्लेन रोड में चल रहा है, इको में चलाओ इको प्लस। और उसके बाद में जब गाड़ी में गार्ड सेक्शन में चल रही है तो पावर भी है, आपको पावर में चलनी चाहिए हर टाइम, इसको आप पावर में लेके चलाना। अभी समझ लो कोई गाड़ी ड्राइवर बोलते हैं ना आप नहीं दूसरे गाड़ी को ही पकड़ा, गलती समझ लो उन्होंने बोला यार मेरे गाड़ी पिकअप पकड़ नहीं रहे हाई चढ़ा नहीं, समझ लो नहीं यहाँ पर 2 बटन है ना, ये नीचे है क्या, कोई दबा होगा सही नीचे है क्या, इसको जैसे आपको एवरेज अच्छा तरह से बढ़ना है। काली गाड़ी में ये पार्शियल लोड में तो आधा लोड कम रहेगा तो इको में चलो, और उसके बाद में हाई लोड में जब आपको आप लोग ये रोड पे चलते हैं कहाँ का कांडला चढ़ रहा है पावर में चढ़िए, 5 टन भी लोड नहीं दो कांडला में चलते में पावर में ठीक है। गाड़ी साइड में लो, थोड़ा साइड में ले जाओ मत, थोड़ा खाली गाड़ी चलना तो ऐसा चलना है पकड़ लो, और उसके बाद में कम लोड है तो ये वाला दबाना है जिससे 4-5 टन लोड रहेगा, फुल लोड रहेगा तो जब चढ़ान चढ़ना पड़े तो ये दबाना पड़ेगा फिर चढ़ाने तब ताकत चाहिए उसी के साथ। देखो अगर मीटर में यहाँ पर देखा आपने कितना चीज है, ये इसमें देखो ये तो आपने इंडिकेटर दे दिया हो गया, ये उसके बाद में ये वाला यहाँ पर हेडलाइट का डिम कर दिया आपने है ना जी, हो गया उसके बाद में यहाँ पर सेट बोल के दिखा रहा है ये क्या देखा, ये सर स्पीड को सेट कर देते हैं तो उस पे स्पीड में चलने लगती है, तो बोलते हैं फ्यूल कोचिंग बोलते हैं फ्यूल। अभी समझ लो इसमें अपनी गाड़ी चल रहा है आपको, तो गाड़ी चल रहा था प्लेन रोड है जी, आपको 5000 अभी जैसे गुजरात रोड में चाहती है तो 50 किलोमीटर तब आपको गाड़ी 35 से 30 से ऊपर रहना चाहिए, 30 से ऊपर रहना चाहिए तब आपको गाड़ी चलता था ना, इसको बटन कोई पेडल दबाना नहीं नहीं, एबीसी बोलते हैं, एबीसी बोलो तो क्या है, ये बोलो तो एक्सीलेटर है, बी फोर तो ब्रेक है, सी फोर क्लच क्लच है, और बोलते हैं ना ड्राइवर को एबीसी सिखाया क्या बोलते है ना, तो गाड़ी चल रहा है 30 के ऊपर में जा रहा है, गाड़ी 40-50 में जा रहा है, मेरा गाड़ी प्लेन रोड है, आप इसको कोई बटन नहीं दबाने का पेडल, इसको दबा के छोड़ दें तब क्या होगा आपको गाड़ी चलते रहेगा आपको जा रहा मालूम पड़ा मेरे को आगे थोड़ा इसे थोड़ा चढ़ान मिल रहा है दिख रहा है तो क्या करे, अभी तो वहाँ पर पिकअप मेरे को चाहिए, ये कट रही दिख रहा है यहाँ पर हाँ यहाँ से थोड़ा कम तेज कर रहे, एक बार करेगा ना अभी 40 में तो 41 41 42 43 एक एक पॉइंट बढ़ता होगा घटता जाए बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको स्पीड भी बढ़ा सकता है जी, मतलब अभी 40 में तो इसको 5 बार करेंगे तो 45 हो जाएगा, 10 बार करेंगे तो 50 में हो गया, और समझ लो आपको कम करना है तो उसको इसे उल्टा कम होता जाए, एक बार कम करो मगर कोई पेडल नहीं दबाना नहीं, तब आपको इसमें इसका तरह एवरेज कोई भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें बढ़िया एवरेज आता है, ये आप पीको में चलाओ पावर में चलो इको प्लस में किस में भी चलाओ आपको एवरेज अच्छा है, ये ध्यान देना ये चीज़ को ऊपर, और कभी समझ लो आप जब तुरंत आप कोई ब्रेक मारना कोई सामने आएगा कोई दो कोई पेडल दबा दो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ता आपको कंट्रोल में आया ठीक है, इसको फ्यूल कोचिंग का पार्ट बोलते हैं, इसको क्रूज कंट्रोल बोलते हैं, क्रूज कंट्रोल कार में आता है, ये आपको वाइपर का मालूम है जैसे बटन इसको पानी डाल के करना है, और उसके बाद में ये वाला आपका हम लोग एग्जॉस्ट ब्रेक को बोलते हैं, जब गाड़ी चलते समय में आपको एग्जॉस्ट ब्रेक लगा के घाट उतरते समय में ये करके छोड़ना, न्यूट्रल नहीं मारना आपके दिन में, आज के दिन में बता रहा हूँ ये सब गाड़ी में बताता है, ये मीटर ड्राइवर को बताता है तुम भाई आप कैसे गाड़ी चलाए बोल के, इसका रिकॉर्ड आपके सेट के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है, मतलब इसके अंदर ऐसे यूनिट है आप किधर गाड़ी है क्या एवरेज दे रहा है और आपके ऑफिस में भी उसमें सब कुछ आपको मिल जाता तभी तो एक बार कोई मॉर्निंग दोस्तों, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल ताकेश वर्मा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, आशा करता हूँ कि आप लोग मजे में होंगे और मजा कर रहे हैं। आज फाइनली हम लोग का जो आयसर का नया गाड़ी BS6 आया हुआ है, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एडवांस्ड गाड़ी हो चुकी है, जिसमें आपको थोड़ा बड़ा इसमें जानना पड़ेगा, इसके लिए हमारे तो कंपनी से राघवेंद्र सर आए हुए हैं, और
राघवेंद्र सर आए हुए हैं यहाँ पर, जानकारी दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सब ड्राइवर वहाँ भीड़ लगी है। बाद में 1,60,000 मतलब बाद में तीनों सब जुड़ेगा और लगभग में जुड़ेगा ना। जाते हैं 60,000 का जो बनता है, अब उसका अंदर का पेपर बदलते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑयल बदलते हैं 40,000 का बनता है। 1,20,000 में डीजल फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर, ऑयल बदलेंगे। 40,000 में ऑयल फिल्टर नहीं बदलता। ठीक है, और कभी